नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज और पटना सिटी से है। पटना सिटी के आलमगंज थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गुलजारबाग के मिर्चाई टोला इलाके से छापेमारी कर अवैध गैसिंग के धंधे का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से अवैध गैसिंग के धंधे में संलिप्त कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से अवैध गैसिंग कूपन, कैलकुलेटर, 1000 रुपए नगद के अलावा 2 मोबाइल भी बरामद किया। बताया जाता है कि गिरफ्तार आरोपियों के द्वारा अवैध तरीके से इलाके में अवैध गैसिंग के धंधे को संचालित किया जा रहा था। इसी दौरान इस बात की भनक पुलिस को लग गई और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर इस अवैध गोरख धंधे का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस टीम ने एक अन्य घटनाक्रम में लड्डू अखाड़ा इलाके से शराब के नशे में हंगामा कर रहे 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। आज सुबह जब प्रातः गश्ती में थे तो 9 बजे पता चला कि मिर्चाइया टोला में एक जगह गैसिंग खिलाया जा रहा है। वहाँ जब छापामारी किया गया तो 5 लोग गैसिंग खिलाते हुए और खेलते हुए पकड़े गए, जिन पर मुकदमा दायर कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, दो लड्डू अखाड़ा में शराब पी करके थे, उनको पकड़ा गया है, उनको न्यायालय में भेजा गया है। और एक पूर्व कांड में 2019 का एक दंगा कांड था, उसमें गिरफ्तारी हुई है, उसे भी न्यायालय में भेजा गया है। ये लगातार पुलिस जो है शराब मामले में जो है लगातार पकड़ से पकड़ रही है, फिर भी जो है आज अधिकांश मामले में कामयाबी नहीं मिल पा रही है, क्या कारण है, कैसे आप लोग देखते हैं इसे? शराब माफिया के निपटने के लिए पुलिस तत्पर है, जहाँ जैसे भी होगा उससे निपटा जाएगा और बराबर शराब माफिया को पकड़ा जा रहा है, शराबियों को भी पकड़ करके माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है और निश्चित रूप से सफलता मिलेगा। पीने वाले लोग पकड़े जा रहे हैं, बेचने वाले लोग नहीं गिरफ्तार हो रहे हैं? नहीं, बेचने वाले भी लोग पकड़ा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, बेचने वाले भी लोग। सरकार ने आदेश भी दिया है कि बेचने वालों को भी अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक नजर नहीं आ रहा कि जिस तरह के बेचने वाले भी लोग पकड़े जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, पकड़ा जा रहा है। गैसिंग के लिए जहाँ भी पता चल रहा है, आज पता चला तो उसे पकड़ा गया और उसे जेल भेजा गया। गैसिंग का टिकट बरामद किया गया, 5 लोग, 2 लोग और एक अन्य कांड में 2019 का था दंगा कांड, उसमें गिरफ्तार हुई।